आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। खूनी संघर्ष के बाद घायलों के परिजनों से मिलने पहुंचे भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति, घटना की कड़े शब्दों में की कड़ी निंदा और साथ ही आरोपियों पर पुलिस प्रशासन के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने अपने साथियों के साथ थाना सिविल लाइन के कच्ची सड़क पर जेके ज्वेलर के मालिक महिपाल व उनके दोनों लड़कों को मारी गई गोली के मामले में घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर कहा कि यह घटना सहारनपुर पत्रकार हत्याकांड की पुनरावृत्ति है, जिससे पता चलता है कि अपराधियों में कानून का डर नहीं है। वहीं मौके पर ही मोर्चा अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने एसएसपी को फोन कर आरोपियों के खिलाफ रासुका में निरुद्ध कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान उनके साथ नेता देशपाल पांचाल, जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह पाल, प्रभारी श्याम सुंदर प्रजापति, मंडल अध्यक्ष भरत पाल, रामनिवास प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। जिस तरह कल शाम के टाइम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क पर जेके ज्वेलर्स के नाम से एक पाल समाज के महिपाल पाल की ज्वेलर्स की दुकान है, वहीं बराबर में ही एक डेयरी वाले हैं जो स्वर्ण समाज से हैं। और आप सभी लोगों को ये पता होगा कि आए दिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार व जानलेवा हमले हो रहे हैं। जैसे अभी सहारनपुर में पत्रकार और उसके भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ, और जानलेवा क्या, उनकी हत्या कर दी गई एक षड्यंत्र रच के। इसी की पुनर्वृत्ति मुजफ्फरनगर में भी दोहराई गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। और उसमें हमारे महिपाल पाल हैं, उनके दोनों लड़के हैं, उनकी भी हत्या की साजिश के हिसाब से ही उन पर लाइसेंसी पिस्टल से उनके ही पड़ोसियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जो मेरठ अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही जितनी भी इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। और इसमें तीन जो आरोपी थे वे गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हम इसी पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को रासुका में निरुद्ध कर जेल भेजा जाए और उनके लाइसेंसी जो पिस्टल है उनको निरस्त किया जाए और इस परिवार को पूरी सुरक्षा